अल्टीमेट राजमा चावल हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और ये ब्लॉग जो है तिरुन ट्रैक का पार्ट टू है, और अभी तक आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, आगे बहुत सारा ब्लॉग देखने को मिलेगा आपको। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू गुल्लू यार, तुम नहीं होते तो हम लोग मतलब लाइफ को जो रिस्क में डाले हैं ये मतलब कतई चुतिया वाला काम हो गया है ना। और हर बार मुझे लगता है कि इससे बड़ा बुरा मेरे साथ क्या ही हो सकता है, लेकिन हर बार मैं अपनी लाइफ को रिस्क में डालता हूँ। और ये कन्हैया है, काफ़ी थक चुका है, इसे चक्कर भी आ रहे हैं, और मैं क्या ही बताऊँ मेरी फीलिंग क्या है। हर बार मैं सोचता हूँ कि नहीं, अब नहीं, अब थोड़ा संभल के एडवेंचर करेंगे, लेट हुए। लेकिन बड़े बड़ों की फटके हाथ में आ जाती है, फिर भी अब निकल पड़े तो निकलेंगे। 6:30 हुआ है, 7:30 तक पहुंचना है। रात में रास्ता भटकते भटकते किसी तरह अब हम लोग पहुंचने को हैं, और गुल्लू हमारा गाइड जो है वो हमें रास्ता दिखा रहा है। और रात में ज़्यादा वीडियो आ नहीं रहा है, फ़ोन से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, इसीलिए इतना सही आपको काम चलाना पड़ेगा। बाकी ऊपर का वीडियो और भी शानदार होगा, वो देख ही लेंगे आप लोग। ये देखो, ये देखो ऊपर, और ये देखो उधर, अभी भी ऊपर जाना है पहाड़ पे, डेढ़ दो घंटा तो लगेगा ही लगेगा। सुबह से हम लोगों ने कुछ खाया नहीं था, तो ऊपर पहुंच के सबसे पहले भैया से जाके हमने राजमा चावल खाया। अल्टीमेट राजमा चावल अच्छा स्वाद है। क्या नाम है आपका भैया? ने बहुत अच्छा। मेरा नाम लालू है जी। क्या लालू? आप यहीं पे रहते हो? यहीं त्रिवेण में रहता हूँ जी। अच्छा, घर आपका मैकलोड ही है? मैं मैकलोड से है 50 किलोमीटर आगे। अच्छा जी, मतलब कोई भी कैंपिंग के लिए आए जी तो आपका नंबर हो तो नीचे से बात करके आ सकता है। जी जी, नंबर चलता है मेरा। वो भी प्रोवाइड करते हो, गाइड भी? गाइड भी मिल जाते हैं जी, पर यहाँ के लिए त्रिवेण के लिए गाइड का उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जरूरी नहीं है। यहाँ से स्नो लाइन कितनी दूर है? यहाँ से है 2-2.5 किलोमीटर है। कितना टाइम लगेगा जाने में? यहाँ से लगेगा आपको 1-1.5 घंटा। बहुत अच्छा बना है भाई, बहुत बढ़िया है भाई। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया। मैं अपनी लाइफ में ऐसे पहली दफ़ा बॉनफायर के सामने बैठा हुआ था, और हमारे चारों तरफ दोस्त मिल गए थे जो साथ बैठे हुए थे, और ये लोग गुड़गांव से आए हुए थे। ये लोग आईटी सेक्टर में काम करते हैं, और मैं पहली दफ़ा लाइफ में अपनी लिखी हुई पोएट्री इन सब के बीच सुना रहा था। और गिल्ट इस बात का है कि कन्हैया जी ने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। एक्सपीरियंस बताओ। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है। और कितनी फटी है कौन बताएगा? बहुत फटी पड़ी है। और भाई आप बताओ, आप तो सवेरे आ गए थे ना? नहीं सवेरे नहीं, हम आके तो कब पहुंचे अपन? नहीं, 5 बजे, 5 बजे आके पहुंचे। क्या नाम है आपका भैया? हमारा मनीष। घर कहाँ हूँ आपका? इलाहाबाद। जयपुर से। अच्छा, जयपुर से। हम सब हैं अभी तो हम सेम कंपनी में काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया था वहाँ पे गुड़गांव में। हाँ, सेम कंपनी के लोग हैं सारे। आईटी में आप लोग? हाँ, आईटी। अच्छा, हम पढ़े भी लावास से ही सब। बात तो वही है, आईटी हो या फिर बैंक। हाँ, काम वह रविवार छुट्टी, जितना तो अच्छा काम करो और उतना अच्छा काम देंगे। हाँ, और आपका कैसा रहा फर्स्ट एक्सपीरियंस? फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस तो काफी सही है भैया। बनारस के हैं, क्या नाम है आपका?
मेरा नाम राजकमल है, मैं बनारस से आया हूँ। अच्छा। लेकिन वही गुड़गांव में हमारा जॉब है, सब लोग साथ में ही जॉब करते हैं। एंड यार संभव तो नहीं लग रहा था एक्चुअल में कि हाँ चढ़ पाएंगे एंड एक्सपीरियंस कर पाएंगे पूरा चीज। थोड़ा बहुत करी है लाइक मसूरी में एंड ऑल, लेकिन इतना नहीं करा कभी। अच्छा। तो और टेम्परेचर वगैरह तो यार मतलब काफ़ी ठंड है यहाँ पे भी, मज़ा आ रहा है। लेकिन ये ना अल्टीमेट एक्सपीरियंस हो गया लाइफ टाइम के लिए ट्रैकिंग का तो। ये हमारा भाई ब्लॉगर। ओए ये। मैं भी भाई बैंक में हूँ, कभी छुट्टी मिलता है तो ब्लॉगिंग कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? अभिषेक। ओके। हाँ भाई नेटवर्क आने के बाद करते हैं आपको फोन। ब्लॉग बन रहा है क्या? ले आया क्या? अकेले को लाया? आपका क्या नाम है भाई? ये समीर बुद्धि। अच्छा। मेरा नाम समीर बुद्धि। सेम सारे गुड़गांव से ही हो आप लोग, जॉब वहीं करते हो? यहाँ आग के सामने कुछ देर बैठने के बाद हम लोग अपने अपने टेंट में चले गए सोने के लिए। और मैं बता दूँ रात में जो टेम्परेचर है वो माइनस में चला गया था और इतनी ठंड थी, ठंड होने के कारण मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैं किसी तरह मतलब रात से सुबह गुजर गया और सुबह जब मैं जगा तो सनराइज़ देख के ना भाई साहब मज़ा आ गया। आप भी देखो आगे। दोस्तों ऐसे वादियों के बीच से ये मेरे लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था जब मैं सनराइज़ देख रहा था। और मैंने दो एंगल से शूट किया है टाइम लैप्स, आप दोनों एंगल से देखिए मज़ा आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं हमारे साथ साथ इतने और जन जो हैं रात में तिरुंड टॉप पे रुके थे और सभी ने एंजॉय किया। इस स्नो लाइन वाली वीडियो को नॉमेडिक इंजीनियर अभिषेक भाई ने शूट किया है, सो क्रेडिट गोज टू अभिषेक भाई। आप देख सकते हो बेहद खूबसूरत लग रहा है ये स्नो। बाहर में चाय पीने का क्या एक्सपीरियंस है? अल्टीमेट एक्सपीरियंस है नेचर के साथ। और रात में क्या हो गया था? रात में जो बोनफायर लगाए थे ना वो अल्टीमेट था। ठंड में गर्मी और हमारा पावर बैंक, एक फोन जो ड्रेन हो गया उसका बैटरी, उसका क्या? वो तो पूरा ड्रेन ही हो गया। मेरा भी पावर बैंक में लगा 4% ड्रेन हो गया। हमको लगता है ना कि 1 डिग्री के आसपास था, है ना? एक नहीं 0 के आसपास आ गया होगा। हाँ मिडनाइट में मिडवे पे 3-4 था ना। सनलाइट के साथ चाय पी रहे हैं भाई, मेरा एक फोटो ले दो। अब हम लोग अपना बैग पैक करके जाने को हैं। हेलो नमस्ते प्रणाम। जैसा कि कल रात तक का वीडियो थोड़ा बहुत आप लोग को देखने को मिलेगा और
कल रात वाला ना एक्सपीरियंस बहुत ही गंदा था और थोड़ा रिस्की हो गया हमारी लाइफ के लिए, और मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है। इतना अंधेरा हो चुका था, कोई नहीं था ऊपर ट्रैकिंग करने का, और हमारे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं था ना। दुकानदार ने बोला कि नीचे चले जाओ, फिर उसने बोला कि आप नीचे जाओगे फिर भी अंधेरा हो जाएगा, कोई नहीं आपको मिलेगा, आप ऊपर जाओगे फिर भी वही बात होगा। फिर मैंने सोचा चलो एक टॉर्च है, और हमारे साथ ना गल्लू है और मैं था, हाँ डॉगी का नाम हम लोग गिल्लू रखे थे। किसी तरह हम लोग आ गए ऊपर, रास्ता भी बीच में भटक गए थे लेकिन फिर भी आना था इसीलिए आ गए। ये लाइफ टाइम मेमोरी रहेगा हम लोग का, और ये एडवेंचरस हो गया, थोड़ा रिस्की हो गया, आप लोग को वीडियो में थोड़ा बहुत देखने को मिल जाएगा। और रात में यहाँ पे ना लगभग माइनस में चला गया था टेम्परेचर, और वो टेंट के अंदर ना हमारा बैटरी पावर बैंक वाला पावर बैंक और एक फ़ोन ऐसे ही मैंने छोड़ दिया था, कम्बल में नहीं रखा था। पूरा बैटरी ड्रेन हो गया पावर बैंक का, 20,000 mAh बैटरी पूरा ड्रेन हो गया, फ़ोन भी चार्ज नहीं है, एक दूसरा फ़ोन थोड़ा चार्ज था, तो इससे अभी हम लोग वीडियो कर रहे हैं। बाकी आपको पीछे का व्यू सनराइज सारा वीडियो आपको मिल जाएगा देखने को। सनराइज का जो व्यू था ना वो एकदम अल्टीमेट था, तब तक आप लोग बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तब तक आप लोग हमारे वीडियो को इसी तरह प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह आप लोग को बहुत सारा ट्रैकिंग और ट्रैवलिंग का वीडियोस मिलते रहेंगे, हाँ देखने को मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। तिरुन ट्रैक से जब हम लोग वापस नीचे उतर रहे थे तो हम लोगों को एक ऑस्ट्रेलिया की लेडी मिली, एक नहीं वो लोग ग्रुप में थे, ऑलमोस्ट उन सब की एज जो है 60 के आसपास थी, और ना वो दूसरी बार तिरुन टॉप पे ट्रैकिंग कर रही थी। मैं उनसे ना बहुत मोटिवेट हुआ यार, मतलब इतने एज में भी वो लोग एनर्जेटिक थी ना, आप देखो खुद ही। Okay, hi, I'm from Australia. This is the second time I've done the Tirun Trek. Okay. But this time I'm fortunate enough to do it with a couple of good mates. And we're having a wonderful day. It's a lovely, it's just a good mountain and a good path. Okay, good luck. Thank you. Yeah.